गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, क्लियर है तो एक बार कंफर्मेशन दीजिए। मई का सर करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मई के क्वेश्चन आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें अराउंड आपका दो क्लासेस हो गई थी मई की, ठीक है ना। उसके आगे आज स्टार्ट करेंगे। पहले बताइए, फर्स्ट क्लास है आप लोगों में से किसी का? आज फर्स्ट क्लास वाले हैं कोई करंट अफेयर्स जो अटेंड कर रहे हो? बाकी जो नहीं है, जो पहले भी क्लास कर चुके हैं, वो पिछले कुछ क्वेश्चन अपन रिवाइज कर रहे हैं, उसका आंसर दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, आज कुछ नए नए नाम दिख रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक आपको पोर्ट का नाम दिया, कांकेर सांथुराई पोर्ट। ये पूछ रहा है किस कंट्री से एसोसिएटेड है ये पोर्ट, है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज कोई नया नहीं है कोई? हाँ देखो, जो भी फर्स्ट क्लास आप लोग कर रहे हो तो ध्यान रखना, इसका जो रिकॉर्डिंग है वो नॉर्थ ईस्ट पीसी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाता है। तो जो ये थर्ड क्लास है मई करंट अफेयर्स की, लेक्चर नंबर 349, तो आप एपीपीएससी के नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, उसमें आपको लेक्चर नंबर 347 जहां से मई का करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट किया है, उसमें आपको मैंने बेसिक बता रखा है कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसके नोट्स बनाने, ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर रखी है। पीडीएफ के लिए आप वो जो वीडियो में जाओगे वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ सर, ये पोर्ट आपका कहाँ पर है? ये पोर्ट है सर आपका श्रीलंका में, ठीक है। ये कहाँ पर है सर आपका? श्रीलंका में। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस कर रहे थे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये था हमीदा बानू से रिलेटेड। हमीदा बानू किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? गूगल हैज रिसेंटली रिलीज अ डूडल ऑन हमीदा बानू। क्वेश्चन, शी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, बताइए जरा। ठीक है, बिल्कुल सर, वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थी? शी वॉज रिलेटेड विथ रेसलिंग, तो रेसलिंग से रिलेटेड सर वो आपका थी। ओके चलिए जी, तो यहां तक 22 तक हम पिछली क्लास में आसानी से करके आ चुके थे, इसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का सर क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रिसेंटली करीना कपूर खान हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, अगर कोई इंडियन सेलिब्रिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्बेसडर बनता है उस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। लास्ट ईयर आप एपीएसएसबी में उठा के देखोगे तो इलेक्शन कमीशन ने सचिन तेंदुलकर को एम्बेसडर बनाया था, तो उसपे आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो अभी करीना कपूर खान को बनाया गया है नेशनल एम्बेसडर किस ऑर्गेनाइजेशन का, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है सर, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो सर, करीना कपूर का जो निक नेम है वो बेबो कहा जाता है, तो ये बेबो से बेबी समझ लेना, बच्चे समझ लेना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करती है, तो उसका उनको एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे याद रह जाएगा सर कि करीना कपूर को किसका एम्बेसडर बनाया। दूसरा, इसमें ध्यान रखना यूनिसेफ के बारे में, पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखेंगे कि करीना कपूर जी को किसका एम्बेसडर बनाया। दूसरा सवाल आता है सर यूनिसेफ के बारे में, यूएन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस पे क्वेश्चन बनते बनते हैं आपके एग्जाम में। तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो तो सबसे पहले अपन उसमें क्या देखते हैं, उसका हेडक्वार्टर। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क में मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये 1946 में बनी थी, पहले इसका नाम था इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस
इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये नाम था, तो यहां से फुल फॉर्म बन गई यूनिसेफ। लेकिन अभी क्या है, इसका नाम बदल गया, इसका नाम हो गया यूएन चिल्ड्रन फंड, सिर्फ इतना फंड है, इतना नाम रह गया है, लेकिन फुल फॉर्म अभी भी क्या चलती है, यूनिसेफ चलती। जैसे अभी हाल फिलहाल में अंटार्कटिका हमने देखा था, ठीक है, उसका भी नेम चेंज हुआ है, इसी तरह से यूनिसेफ का अब जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड रह गई है, लेकिन वो पुरानी वाली शॉर्ट फॉर्म आज भी यूज होती है, ठीक है। इट इज मैंडेटेड बाय यूएन जनरल असेंबली टू एडवोकेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स, टू हेल्प मीट देयर बेसिक नीड्स एंड टू एक्सपेंड देयर अपॉर्चुनिटीज टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग यूनिसेफ। बात समझ में आ रही है सर? ये था क्वेश्चन नंबर 23। तो दो बातें यहां से आपको मेमोराइज करनी है, पहली चीज करीना कपूर का एम्बेसडर किसका बनाया है, यूनिसेफ इंडिया का। दूसरी चीज यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क इंडिया। दो चीजें मेक श्योर करिए आपको याद हो जाए, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी सर? हाँ जी हो जाएंगी, तो गिव मी अ थम्स अप, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा गया है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज साइंड एन एमओयू विद क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड टू एक्सप्लोर एंड डिलीवर ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कवच इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। देखो एक कंपनी है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड, उसने एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है, किसके लिए, कवच के लिए, ठीक है, कवच को इंप्लीमेंट करने के लिए, इंडिया और अदर कंट्रीज में कवच को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब देखो सर, ये कवच जो है ये ट्रेन के कोलिजन को रोकने की एक टेक्नोलॉजी है, इस ये अभी काफी न्यूज में भी रहता है, क्योंकि रिसेंट में आपने देखा होगा जो रेलवे हादसा हुआ है ना, आपका इस साल भी हुआ, पिछले साल भी हुआ, पिछले कई टाइम से जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें बार बार यही सवाल आता है कि ये कोलिजन्स को रोकने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने सुझाया है कवच, लेकिन ये अभी भी बहुत ही लिमिटेड इसकी एप्लीकेबिलिटी है, इसको पैन इंडिया इसको मतलब डेवलप किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी को। तो पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपके एग्जाम में वर्ड आ जाए कवच, कवच इज ए हिंदी वर्ड जिसका मीनिंग होता है काइंड ऑफ प्रोटेक्शन शील्ड, है ना, तो कवच किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, ट्रेन के कोलिजन को अवॉइड करने की टेक्नोलॉजी का नाम है कवच, पहली चीज तो आपको यहां से ये समझनी है, ठीक है। चलो तो अब इन्होंने एमओयू किसके साथ साइन किया है सर, उसकी बात कर लेते हैं। एमओयू किसने साइन किया है सर, एमओयू साइन किया इन्होंने रेलटेल के साथ, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वही रेलटेल है सर जो आपका जो कई रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई की व्यवस्था है वो भी इनके ही थ्रू हुई है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज रेलटेल। अब ये काम कैसे करती है टेक्निक, तो देखो सर इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये आपकी रेलगाड़ी आ रही है, ठीक है, ये रेलगाड़ी आ रही है, इसमें एक यूनिट लगा होता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इस अच्छा ये टेक्नोलॉजी डेवलप किसने करी है, RDSO ने डेवलप करी है, ठीक है, RDSO ने। तो अगर ये इस तरह से टैग्स लगे होंगे RFID के, तो ये जो RFID के टैग हैं ये ट्रेन को लोकेट करते हैं, ट्रेन की डायरेक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं और ट्रेन की क्या स्पीड है उसको ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी आइडिया लगा लेंगे कहां से ट्रेन आ रही है, कितनी स्पीड में आ रही है, ये सारी चीजें जो आपका RFID टैग्स हैं वो इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, ये लगे हैं या ये इधर देखो इस तरह से ये यहाँ पर RFID टैग्स लगे होंगे, फिर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन लेंगे इसको सर ट्रांसफर कर देंगे, कहां भेज देंगे, आपका जो इनकी स्टेशन यूनिट्स हैं वहां पर भेज देंगे, ये देखो ये लिखा है 1 के बाद आ जाओ 2, फिर ये जितना भी डेटा है, ठीक है, ये जितना भी डेटा है रेडियो RFID जितना भी डेटा रिसीव करेगा इसको किसको भेज देगा, स्टेशन ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS,
ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को ये सारा डेटा भेज देगा, किसके थ्रू, रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू। ये देख लो, ये रेडियो इसमें एंटीना लगा है, इस रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू सारा डेटा किसमें चला जाएगा, TCAS ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के पास। अब ये सिस्टम क्या करेगा, इट कैलकुलेट द मूवमेंट अथॉरिटी बेस्ड ऑन द डेटा रिसीव। तो ये अपना कुछ प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, ये पूरा यूनिट लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो रेस्पेक्टिव लोकोमोटिव को ट्रांसफर कर देगा। जैसे इस ट्रेन को इंफॉर्मेशन लग मिली कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है, तो यहां से इंफॉर्मेशन गई TCAS के पास, TCAS के पास जैसे इंफॉर्मेशन जाएगी, TCAS वापस से ये रियल टाइम क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम के थ्रू इस ट्रेन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि देखो भाई ऐसा है कि सामने से एक ट्रेन आ रही है, तुम अपनी रफ्तार धीमी कर लो या पटरी बदल लो, जो भी इंफॉर्मेशन उनको देनी होगी। तो लोको पायलट को जैसी इंफॉर्मेशन मिली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव, तो वो एक्शन लेगा। तो जो लोको पायलट को करना है वो करेगा। मान लो सर लोको पायलट को नींद आ गई, अब लोको पायलट को नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। अगर लोको पायलट कुछ नहीं कर पा रहा है तो इसमें एक यूनिट लगी होती है BIU, जैसी RFID के थ्रू इंफॉर्मेशन गई, वापस से वहां इंफॉर्मेशन आई और फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इसमें यूनिट लगी होती है BIU। BIU क्या करेगा, BIU ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, जो आपको क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रेन में ब्रेक्स लगा देगा। ट्रेन में जितने भी सिस्टम काम करते हैं उनका जो प्रिंसिपल होता है फेल सेफ मैकेनिज्म पे काम करें, यानी अगर वो फेलियर हो भी जाता है तो वो फेलियर में कंटिन्यू काम नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। मान लो कोई सिग्नल है, अगर वो सिग्नल खराब होना होगा तो वो रेड पे हो जाएगा, ताकि ट्रेन ही रुक जाए, आगे ना बढ़े, फिर देख लिया जाए क्या व्यवस्था है, क्या दिक्कत है। इसी तरह से इसमें जो BIU है ये भी एक फेल सेफ मैकेनिज्म है। अगर मान लो सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी ड्राइवर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो ये जो यूनिट है BIU, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक में और ट्रेन में ब्रेक लगा देगी, ताकि किसी भी तरीके के कोलिजन को रोका जा सके। ठीक है सर, चलिए। तो ये एक बेसिक सिस्टम था कि आपका RFID डिटेक्ट करेगा, TCAS को इंफॉर्मेशन भेजेगा, TCAS उसको प्रोसेस करके लोको पायलट के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा। अगर लोको पायलट स्टिल फेल हो जाता कोई एक्शन लेने में, तो ये जो BIU यूनिट है ये एक्शन लेके उसको रोक देगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये बेसिक आपका सिस्टम है जो कवच सिस्टम में काम करता है। ठीक है, इसको TCAS भी कहते हैं, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, और हिंदी में इसका नाम पड़ गया है कवच। तो कवच वर्ड सुनो तो समझ जाना कि सर ये किसकी बात कर रहा है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की बात कर रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी, कोई डाउट होने से पूछ लीजिए। ठीक है सर, बाकी तो पूरा आपका PDF में ये सब मेंशन है, ये सारा PDF में है, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, पढ़ना चाहो दोबारा पढ़ लेना। चलिए, तो कोई डाउट होने से बताइएगा, अदरवाइज मूव करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग has been named laureates of 2024 UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize। Niloufar Hamidi, Ilah Mohammadi, Nargis Mohammadi Iran se, ya Palestinian journalist, ya Belarus Association of Journalists, Maria Ressa Philippines। Char option aapko diye gaye hain, aapko isme se correct answer lagana hai, theek hai? Aapka क्वेश्चन है, विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड लॉरिएट्स ऑफ 2024 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, बताइए सर। ये है तो यूनेस्को का, लेकिन ये किसके नाम पे रखा गया, गिलेर्मो कैनो के नाम पे रखा गया। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इनके नाम पे ही क्यों रखा गया है। तो
तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को दिया गया है, ठीक है। अभी जो गाजा में सिचुएशन है, जो जेनोसाइड चल रहा है वहां पर, ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पर जर्नलिज्म करना काफी मुश्किल हो रहा है, काफी रिपोर्टर्स की जान भी जा चुकी है वहां पर। तो जो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट जो अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां पर आपका रिपोर्ट कवर कर रहे हैं, तो उनको ये अवार्ड संबोधित किया गया है, ठीक है। तो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट कवरिंग गाजा हैव बीन नेम्ड एज लॉरिएट्स ऑफ द 2024 यूनेस्को गिलेरमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ एन इंटरनेशनल ज्यूरी ऑफ मीडिया प्रोफेशंस। द अवार्ड सेरेमनी जो भी होगी उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये अवार्ड का नाम क्या है? यूनेस्को गिलेरमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, ठीक है। ये और पर्सन को भी दिया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है, किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है दैट हैज मेड एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड स्पेशली व्हेन दिस हैज बीन अचीव्ड इन द फेस ऑफ डेंजर, ठीक है। तो अगर कोई खतरे उठाते हुए जर्नलिज्म करता है तो ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये सर किस दिन दिया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन दिया जाता है। तो यहां से एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, पहली चीज तो ये अवार्ड किसको दिया गया ये ध्यान रखना है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस दिन होता है? 3 मई को होता है। दूसरा फैक्ट ये ध्यान रखना है ना, डेज एंड डेट्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस दिन होता है? 3 मई को होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब तीसरा पॉइंट सुन लो, पूछेगा नहीं आपसे, ये किसके नाम पे दिया जा रहा है? गुलेरमो कैनो इसाजा के नाम पे अवार्ड है। ये कौन थे सर? ये एक कोलंबियन जर्नलिस्ट थे, ठीक है, जिनका असैसिनेशन कर दिया था उन्हीं के ऑफिस के सामने, ठीक है, बोगोटा कोलंबिया में इनका असैसिनेशन कर दिया गया था। तो उसी की याद में ये उनके नाम पर ये अवार्ड रखा गया, ठीक है। तो दो फैक्ट मैंने आपको बता दिए, अवार्ड किसे मिला? पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस दिन होता है? 3 मई को होता है, ठीक है। चलिए ये दो चीजें याद रखिएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। कहता है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अनवील्ड FWD-200B, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैंड एयरक्राफ्ट। तो ये किसने बनाया है सर? आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज, फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस स्पेस, महिंद्रा एरोस्पेस। अभी तक तो सर DRDO, इसरो और HAL के क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ और कंपनीज हैं जो डिफेंस में काम कर रही हैं, तो उन्होंने देश का पहला अनमैंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट बनाया है, ठीक है। मतलब ये बॉम्ब भी गिराएगा और ये अनमैंड है, मतलब इसमें आपको बैठ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका जो मॉडल है उसका नाम रखा है अभी FWD-200B। तो इसको बनाया किसने, दैट इज द क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं किसने बनाया है सर। करेक्ट आंसर इज फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, इन्होंने इसको बनाया, ठीक है। इट इज एन इंडिजीनियसली मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली अनमैंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट, ठीक है। भारत में अगर कोई भी चीज पहली बार होती तो वो आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट हो ही जाती है वैसे भी। चलिए, इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ पेलोड 100 kg एंड क्लासिफाइड एज अ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कह रहा है सर? रिसेंटली आईसीसी हैज रिलीज आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 ऑफिशियल एंथम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हु अमंग द फॉलोइंग हैज संग दिस सॉन्ग, ठीक है। अभी जो T20 वर्ल्ड कप 2024 था उसका आईसीसी ने क्या रिलीज किया है? ऑफिशियल एंथम रिलीज किया है, ठीक है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वो किसने गाया है सर? जाकिर हुसैन एंड पार्थो सैरोथी पहला ऑप्शन, दूसरा थ्रेन थॉमस, तीसरा बिली शिल्ड्स, चौथा है शियान पॉल या शॉन पॉल, और आपका सोका सुपरस्टार किस, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर क्या होगा?
बोल गए। चलो करेक्ट आंसर इज शॉन पॉल एंड सोका सुपरस्टार केस। ठीक है, तो शॉन पॉल और केस का नाम ध्यान रखना, इन दोनों ने ये आपका ये ऑफिशियल एंथम गाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग से देख लेना आप, कल मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा इसका नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ सर। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, फ्लड अ न्यू वेरिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज रैपिडली स्प्रेडिंग इन यूएस, जापानीज एनसेफेलाइटिस, कोविड-19, मीजल्स या फिर इबोला। चार ऑप्शन दिए। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, फ्लड अ न्यू वेरिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज रैपिडली स्प्रेडिंग इन यूएस, अ न्यू वेरिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डिसीजेस इज रेडिली स्प्रेडिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, जापानीज एनसेफेलाइटिस, कोविड-19, मीजल्स या फिर इबोला। चार ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर बताइए। एक नया वेरिएंट आया FLIRT, तो शॉर्ट में फ्लर्ट कह रहे हैं। तो सवाल यह है, ये किससे रिलेटेड है सर? मीजल्स, मीजल्स सही है, मीजल्स सही है सर। सॉरी, करेक्ट आंसर इज कोविड-19। ठीक है, करेक्ट आंसर इज कोविड-19। तो दो वेरिएंट्स हैं सर, KP2, KP1.1, इनको शॉर्ट में कह रहे हैं फ्लड वेरिएंट। और ये किससे निकले? आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा, कोरोना के एक नया वेरिएंट आया था, ओमिक्रोन, ओमिक्रोन सॉरी, ओमिक्रोन। ठीक है, तो ये ओमिक्रोन के ही वेरिएंट है, KP2 एंड KP1.1, इन्हीं को क्या कह रहे हैं? फ्लड। ठीक है, द वेरिएंट्स अपियर टू आउटस्ट्रिप देयर एंसेस्टर एंड अदर ओमिक्रोन वेरिएंट्स, KP2 इज द मोर डोमिनेंट स्ट्रेन ऑफ द टू एंड इट इज बिलीव टू लीव पास इम्यूनिटी बिल्डअप फ्रॉम वैक्सीन एंड प्रीवियस इन्फेक्शन। मतलब हर बार यही न्यूज आती है कि भाई इस बार जो वेरिएंट आया है उस पे वैक्सीन काम नहीं कर रही है, वो और जो पहले इन्फेक्शन हो चुके हैं अगर वो सोचे उन्हें नहीं होगा तो ऐसा भी नहीं है ना, तो उनकी इम्यूनिटी को भी इफेक्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात हो गई थी इसलिए ये न्यूज में आ गया। ठीक है, अब तो लोगों का डर खत्म हो गया है। ठीक है, अब तो ये आम बात हो गई है सुनना कि हाँ इस पे वैक्सीन काम नहीं कर रही, उस पे काम नहीं कर रही। चलिए जी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 29। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अनवील्ड सीसैम, इंडिया फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेसिफिकली डिजाइंड। हाँ ओमिक्रोन बोल दो आप, ओमिक्रोन से याद रख पाओगे, है तो ये उसी का डिसेंडेंट ओमिक्रोन का। देखो, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेजम डेवलप हुआ है, इंडिया फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ये सीसैम, किस सीसैम को किसने डेवलप किया है? अब पहला सवाल तो ये आता है सर, ये सीसैम है क्या? तो इंडिया का पहला ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो सर ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? देखो, ये एक तरीके का AI मॉडल है, मतलब इसमें आप क्या होगा, आपने बहुत सारे इनपुट दे रखे होंगे और इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी उसको प्रोसेस कर पाए। जैसे चैट जीपीटी है, आप उसमें क्या करते हो, कोई भी जानकारी जाते हो, आप बोलते हो चीजों, टाइप करते हो, ठीक है, तो वो आप कुछ भी लिखोगे उसको वो प्रोसेस करता है और उसके पास जो डेटा है उसमें अवेलेबल डेटा से आपको बिल्कुल सटीक ऐसे आंसर देता है जैसे कोई टीचर आपको आंसर दे रहा हो। ठीक है, तो इसी तरह से सर आपका यही सर आपका कंसेप्ट होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। इनके पास जो भी डेटा होते हैं, आप जिस भी भाषा में इनसे बोलोगे ये उस चीज को प्रोसेस करेंगे, जो भी डाटा इनके पास अवेलेबल है उससे फिर ये रिलेट करेंगे, फिर आपको आउटपुट देंगे। तो दैट इज द लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप हुआ है सीसैम। तो सवाल ये है, इसको डेवलप किसने करा है? ठीक है, तो सवाल क्या है सर, सवाल ये है आपका, किसको किसने डेवलप किया?
तो इसका सर जो करेक्ट आंसर है, इसको डेवलप किया है सर आपका सेतुगम की कंपनी ने, अ लीडिंग इंडियन फिनटेक कंपनी एंड पार्ट ऑफ द पाइन लैब्स ग्रुप हैज अनवील्ड सीजन, इंडिया फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। अब देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ एआई प्रोग्राम दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क यूजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। ठीक है, इसके पास डेटा होता है, फिर आप जो भी इसको बोलते हो उसको ये अपने अकॉर्डिंगली प्रोसेस करके फिर आपको जवाब देता है। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है सर? एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑनर्ड विद पुलित्जर प्राइज 2024 फॉर पब्लिक सर्विस, बताइए। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑनर्ड विद पुलित्जर प्राइज 2024 पब्लिक सर्विस के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, प्रो पब्लिका, रूटर्स, एसोसिएटेड प्रेस। देखो पुलित्जर प्राइज भी एक फेमस प्राइज है ना, तो करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपसे पुलित्जर प्राइज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जर्नलिज्म वगैरह के फील्ड में इसमें अवार्ड दिए जाते हैं, तो एक बार देख लेंगे कि पब्लिक सर्विस इसके लिए पुलित्जर प्राइज किसको मिला है। बाकी आप लोगों को जो लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ जी सर, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है। अब तीन ऑप्शन बचे हैं, प्रो पब्लिका, रूटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, इनमें से कोई ना ना न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है। मतलब सर हमें तो सर सबसे बड़ा पेज न्यूयॉर्क टाइम्स पता है, तो सर वही होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर इज प्रो पब्लिका। ठीक है, तो ये किसको मिला है? प्रो पब्लिका को। ठीक, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, अवार्ड किसको मिला है? प्रो पब्लिका, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना। दूसरा, पुलित्जर प्राइज किससे रिलेटेड होता है? एस्टैब्लिश बाय जोसेफ पुलित्जर आज न्यूज़पेपर ओनर। ठीक है, तो देखो ये बस जानकारी के लिए है, इसको मतलब याद करने मत बैठ जाना या नोट्स में मत लिखना इसको, बस इतना ध्यान रखना ये पुलित्जर प्राइज पब्लिक सर्विस के लिए किसको मिला है? प्रो पब्लिका। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन है, किस कैटेगरी में किसको मिला है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए, ये जानकारी के लिए, इसको बस पढ़ लेना और छोड़ देना, ये बस पढ़ने के लिए है आपका। और ये एक बार इसको याद कर लेना कि जैसे हाँ न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में मिला है सर। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक सर्विस की बात हो रही है ना, उसमें आपको किसको मिला है? प्रो पब्लिका। ठीक है, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। कहीं सुना था पुलित्जर प्राइज? तो सर मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ और इंपॉर्टेंट होता है सर, ये न्यूज में रहता है। चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 सर। बहुत टफ ना पढ़ना चाहिए आप लोगों को, आसान सवाल है। एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन इज सेट टू इनॉग्रेट द स्टेट फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन नरसिंहगढ़। इट इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन टीसीए एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। चार ऑप्शन दिए, बताइए सर। टीसीए मतलब त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन, एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलके क्या बना रहे हैं सर? एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इनॉग्रेट करने जा रहे हैं त्रिपुरा में, नरसिंहगढ़ में। तो वो कौन कौन मिलके कर रहा है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो बता दोगे, बताइए सर इसका आंसर दीजिए।
हाँ जी, आईसीसी कहाँ पहुंच गया यार, बीसीसीआई को भूल गए क्या? इतना बड़ा बीसीसीआई बैठा है सर। करेक्ट आंसर इज बीसीसीआई। ठीक है, तो त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन, और ऑब्वियसली बात है बीसीसीआई सपोर्ट करेगा, दोनों मिलके इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं। ठीक है, अब बीसीसीआई पे सर दो सवाल बन सकते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल सवाल होगा बीसीसीआई के फुल फॉर्म, दूसरा उसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बीसीसीआई के बारे में। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, 32 पे आ जाओ। रिसेंटली 33rd एडिशन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस कप 2024 हैज वॉन बाय मेंस टीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आज सुक्का सही लग रहा है, दिन दिन की बात है। देखो अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो BWF है आपका, उसका एक इवेंट था थॉमस कप। ठीक है, एक ओबेर कप भी था, एक थॉमस कप था। यहाँ बात हो रही है थॉमस कप की। इट हैज बीन वॉन बाय मेंस टीम। मेंस टीम किस कंट्री की है जिसने ये 33rd एडिशन थॉमस कप का, मतलब BWS थॉमस कप 2024 जीता है? साउथ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हमेशा सीरियसली लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। बताइए जरा, चाइना। बाकी लोगों को क्या लग रहा है सर? बैडमिंटन की बात हो रही है सर, बैडमिंटन में कौन जबरदस्त खेलता है? चाइना ही लग रहा है। चलो जी, बिल्कुल सही लग रहा है सर, करेक्ट आंसर इज चाइना। तो चाइना ने तो सर झंडे गाड़ दिए हैं बैडमिंटन में। मतलब थॉमस कप भी जीता है और एक ऊबर कप फाइनल भी होता है, वो भी जीता है इन चाइना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, थॉमस कप ऊबर कप दोनों पूछे, खटाक से आंसर क्या लगा देना है? चाइना लगा देना है। ठीक है, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 32। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। रनर, अच्छी बात है जो टैंग जी आपको पता है, अदरवाइज रनर नहीं पूछता है, वो विनर ही पूछता है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 डिफेंस से रिलेटेड है। रिसेंटली अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। टॉर्पेडो क्या होता है? टॉर्पेडो जो सबमरीन वगैरह में जो आपकी मिसाइल लगी होती है, सिगार शेप मिसाइल जो सबमरीन में लगी होती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं टॉर्पेडो। तो यहां पर बात हो रही है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट। एक सिस्टम बनाया गया स्मार्ट सिस्टम। इट वॉज कंडक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड स्मार्ट सिस्टम। चार ऑप्शन है सर, BDL, BEL, BEML या DRDO। ठीक है, तो जो हमारे साथ काफी एक अरसे से जुड़ा हुआ है, एक थोड़ा सा टाइम हो गया है जिन्हें जुड़े हुए, वो इसका बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में सर अगर कोई मिसाइल बन रही है तो वो कौन ही बना रहा होगा। ठीक है, तो इसमें तो सर डायरेक्ट आप तुक्का भी लगा सकते हो जो आपका सही भी हो जाता है। बताइए जरा, बिल्कुल सही सर, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है सर, बिंदास तुक्का लगाओ। क्या लगाओगे सर तुक्का? DRDO। ठीक है, ये जो आपका स्मार्ट सिस्टम है ये कौन बना रहा है? DRDO बना रहा है। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। ठीक है, ये मिसाइल बेस्ड मैकेनिज्म होगा जो लाइट वेट टॉर्पेडोज को टारगेट कर सकता है। कैन टारगेट सबमरीन, मतलब ये लाइट वेट टॉर्पेडोज को लॉन्च करने के लिए एक मिसाइल बेस्ड मैकेनिज्म बनाया गया। मतलब जिस तरह से मिसाइल लॉन्च करने के लिए प्रॉपर सिस्टम होता है वो इसमें बनाया गया है। लाइट वेट टॉर्पेडोज को लॉन्च करेगा जो हंड्रेड ऑफ किलोमीटर दूर, जो एक कन्वेंशनल रेंज है उस रेंज से भी बियॉन्ड जाके ये टारगेट कर सकता है। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको कहां से लॉन्च किया गया था? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। ठीक है, ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। उड़ीसा कोस्ट के साइड आप देखोगे तो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। मिसाइल के टेस्ट वगैरह अगर आप देखोगे जनरली वहां पर होते हैं। ठीक है सर,
चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 33। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए सर। तो आज यहीं तक रखते हैं सर, इसके आगे फिर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक जो भी डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। बाकी देखो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, पीडीएफ आपका यूट्यूब में इसका वीडियो अपलोड होता है रिकॉर्डिंग, वहां के डिस्क्रिप्शन में जाओगे लिंक मिल जाएगा मेल वाला, ये सब जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये अपलोडेड है उसमें। दूसरा नहीं भी मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना 9907846422 पे, अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 9907846422। ठीक है सर। चलिए तो यहाँ तक कोई बात कोई अगर चीजें समझ में आ रही हो ठीक है, तो लेक्चर को लाइक कर देना, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर देना। मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।